बीते कुछ समय में मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच न्यूज में रही हैं। पहले अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के साथ संबंध के गंभीर आरोप लगाए, तो इसके बाद वे कांग्रेस के निशाने पर आ गईं। अब सेबी चीफ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। दरअसल माधवी बुच इसी महीने संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी PAC के सामने पेश होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी चीफ 24 अक्टूबर 2024 को पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के समक्ष पेश हो सकती हैं। PAC ने फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेबी और ट्राई के टॉप लेवल ऑफिसर्स को तलब किया है। रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि रेगुलेटरी बॉडी के परफॉर्मेंस की रिव्यू की जा रही है और सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के अलावा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी पैनल के सामने पेश हो सकते हैं। गौरतलब मेजर पार्लियामेंट्री पैनल की ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जबकि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच को लेकर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने अरबपति गौतम अडानी के लीडरशिप वाले अडानी ग्रुप के साथ अलेज्ड रिलेशंस को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहां बता दें कि हिंडनबर्ग ने बीते साल की शुरुआत में गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर भी निशाना साधा था और एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसके बाद अडानी ग्रुप को बड़ा नुकसान हुआ था। सेबी चीफ पर हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद बीते अगस्त 2024 में कांग्रेस ने भी माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच के खिलाफ लगाए गए आरोपों को इश्यू बनाकर निशाना साधा था और सेबी चीफ के पोस्ट से उनके इस्तीफे की भी मांग की थी। हालांकि कांग्रेस और हिंडनबर्ग के आरोपों को निराधार बताते हुए सेबी चेयरपर्सन ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाते हुए कहा था कि अडानी ग्रुप पर जारी रिपोर्ट के 18 महीने के बाद भी सेबी ने इसके खिलाफ आरोपों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर की ओर से लगाए गए इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि ये आरोप बेसलेस हैं और इनमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और फाइनेंस खुली किताब की तरह है। उन्होंने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है, अब उसने उसी के जवाब में हमारे कैरेक्टर डिफेमेशन का प्रयास करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हम फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ नियत समय में एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी करेंगे। इस अपडेट पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।